दोस्तों, यूक्रेन से जारी जंग के बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दुनिया गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी है। उनका कहना है कि अगर अन्य सरकारें यूक्रेन के सपोर्ट में आई तो ऐसे नतीजे देखने को मिलेंगे जो इतिहास में पहले कभी नहीं हुए हों। इसी बीच रूस ने अपने न्यूक्लियर फोर्स को भी अलर्ट कर दी, जिससे दुनिया पर परमाणु युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। अब इस खतरे के बीच एक सवाल सबके सामने कि अगर दुनिया के सभी न्यूक्लियर बमों में एक साथ धमाका हो जाए तो आखिर क्या होगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में आपको यही बताने वाला। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखना होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना रोजाना इसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। चले दोस्तों, आप वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, दुनिया भर में करीब 15,000 न्यूक्लियर बम है। इसमें से सिर्फ 3 ही न्यूक्लियर बम काफी है एक पूरे शहर को खत्म करने के। दोस्तों, दुनिया भर में 4,500 से ज्यादा शहरों में तबाही मचाने के लिए सिर्फ 13,500 न्यूक्लियर बमों की जरूरत पड़ी। दोस्तों, इंडोनेशिया क्राकाटोआ ज्वालामुखी को दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर माना जाता, लेकिन अगर 15,000 न्यूक्लियर बमों में एक साथ विस्फोट हुआ तो यह ज्वालामुखी विस्फोट से भी 15 गुना ज्यादा ताकतवर और विनाशकारी हो। अब दोस्तों, अगर सभी न्यूक्लियर हथियारों में एक साथ धमाका कर दिया जाए तो 31 मील करीब दोस्तों 50 किलोमीटर तक आग का गोला फैल जाएगा। साथ ही 3,000 किलोमीटर तक इसके रास्ते में आने वाली हर चीज तबाह हो जाएगी, और इस दौरान टेम्परेचर इतना ज्यादा होगा कि हर जीवित और निर्जीव चीज को पिघला कर रख। अब दोस्तों, न्यूक्लियर धमाके के साथ आसपास हुए नुकसान के अलावा इससे निकलने वाली रेडिएशन के भी दुष्प्रभाव और भी ज्यादा भयंकर होंगे। पूरी दुनिया पर कई हफ्तों तक इसका असर देखने को मिलेगा। रेडिएशन की वजह से धमाके के पास की हर चीज खत्म हो जाएगी और सैकड़ों मील तक तबाही का मंजर देखने को मिलेगा। साथ ही इस धमाके की आवाज़ को पूरी दुनिया में सुना जा सके। तो दोस्तों, अगर दुनिया पर मौजूद सारे न्यूक्लियर बमों को एक साथ छोड़ा गया तो कुछ इस तरह का मंजर सामने आएगा, कुछ इस तरह की चीजें होंगी। और दोस्तों, अगर इंसान धरती यूरेनियम के हर टुकड़े को इसी तरह से खनन करता रहेगा और लगातार ऐसे बम बनाता रहेगा तो आने वाले वक्त में इससे भी ज़्यादा बुरे नतीजे देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करूँगा आपको आज की यह वीडियो पसंद आई। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, ताकि उन्हें भी पता चल सके कि अगर सभी न्यूक्लियर बम एक साथ फोड़ दिया जाए तो क्या हो। और दोस्तों, अगर आप और भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे देगा लाल बटन दबा के चैनल को जो सब्सक्राइब करना दोस्तों।